मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, सानिया मिर्जा को भारत की टेनिस सनसनी के नाम से जाना जाता है। सानिया मिर्जा इन दिनों टेनिस नहीं खेल रही हैं, लेकिन अपने वेट लॉस को लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में हैं। वजन घटाने के लिए सानिया मिर्जा ने ढेर सारे वर्कआउट किए और साथ ही साथ एक स्पेशल डाइट प्लान भी अपनाया, जिसके चलते 4 महीने में ही उन्होंने 26 किलो वजन कम कर लिया। जी हाँ, प्रेगनेंसी के बाद सानिया मिर्जा का वजन 89 केजीज था और बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही उन्होंने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वर्कआउट अपनाकर, डाइट प्लान अपनाकर अपना इतना वजन कम किया है। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा की सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और इसके बाद कई सारे प्रिकॉशन को अपनाते हुए उन्होंने अपने वजन को कम किया है और ये वाकई उन नई माओं के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है जो कि नई नई माँ बनी हैं। चलिए अब जानते हैं सानिया मिर्जा का जिम वर्कआउट क्या था। वजन कम करने के लिए सानिया मिर्जा लगभग 4 घंटे वर्कआउट के लिए जिम में वक्त देती थीं। वजन घटाने के लिए सानिया मिर्जा कार्डियो, बॉक्सिंग, पिलाटेज और प्रीनेटल योग किया करती थीं। वैसे वजन घटाने के लिए वेट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मशहूर है और सानिया भी वजन कम करने के लिए ये ट्रेनिंग किया करती थीं। वेट ट्रेनिंग से वजन कम करना आसान होता है। नियमित तौर पर वेट ट्रेनिंग करने से शरीर का स्टैमिना भी बढ़ता है। बात करें अगर प्लैंक एक्सरसाइज की, तो बेली फैट कम करने के लिए प्लैंक एक्सरसाइज की जाती है। प्लैंक एक्सरसाइज से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। पेट की चर्बी कम करने के साथ प्लैंक वर्कआउट कोर और बट को भी अच्छा शेप देता है। सामान्य पुशअप्स की जगह सानिया मिर्जा जिम बॉल पुशअप्स किया करती थीं। जिम बॉल पुशअप्स करने से पेट की चर्बी तेजी से कम होती है। पेट का मोटापा कम करने के लिए जिम बॉल पुशअप्स करना फायदेमंद होता है। इसके अलावा सानिया मिर्जा हर एक दिन अलग अलग वर्कआउट पर जोर देती थी। अपने वर्कआउट में रनिंग, स्किपिंग, क्रंचेस को वो शामिल करती थी। सानिया मिर्जा रोज़ाना 1 घंटा किकबॉक्सिंग, 1.5 घंटा कार्डियो, 1 घंटा पिलाटेस किया करती हैं। इसके अलावा सानिया खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेती हैं और वो रेगुलर योग प्रैक्टिस करती हैं। ये ना ही सिर्फ उनके तन को स्वस्थ रखता है, बल्कि उन्हें मानसिक तौर पर भी मजबूती देता है। सानिया कहती हैं कि जो खेल वो खेलती हैं वो मुश्किल खेलों में से एक है। मानसिक और शारीरिक तौर पर इसके लिए काफ़ी मशक्कत की ज़रूरत होती है। इसके अलावा टेनिस के लिए लगातार प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। वो कहती हैं कि ये ज़रूरी हो जाता है कि परफेक्ट डाइट प्लान के साथ परफेक्ट एक्सरसाइज भी शामिल हो। सानिया अपनी डाइट में विटामिन्स और प्रोटीन्स का भी खास ख्याल रखती हैं। सानिया जब शुरू में अपने वेट को कम कर रही थी, तो वो 5 से 6 दिन हफ्ते में जिम वर्कआउट ज़रूर करती थी, पर अब वो वापस शेप में आ गई हैं, तो वो कोशिश करती हैं कि वो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन जिम ज़रूर जाएं और कम से कम 3 घंटे अपनी कसरत को ज़रूर दें। इसके साथ ही वो 1 घंटा ट्रेडमिल पर भी ज़रूर बिताती हैं। हालांकि सानिया ने अब मिक्स्ड डबल्स खेलना छोड़ दिया है, लेकिन वो कहती हैं कि मैच से पहले मैं और मेरे पार्टनर महेश भूपति ब्लंट पास्ता खाकर जाते थे, जो हमें लंबे वक्त तक चार्ज रखता था और इससे पेट भी भरा रहता है और हमें मैच के दौरान भूख भी नहीं लगती। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा वैसे तो फूडी हैं, लेकिन वो शुरू से ही जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहती हैं और पिछले कुछ वक्त से उन्होंने ग्लूटेन फ्री डाइट को पूरी तरह अपना लिया है। वो गेहूं के आटे से पूरी तरह से दूर रहती हैं और चावल या पास्ता भी वो ग्लूटेन फ्री ही खाती हैं। इसके साथ ही उन्हें चिकन भी काफ़ी पसंद है और वो कोशिश करती हैं कि वो दिन भर में जो भी खाएं वो ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों से भरपूर हो। जब वो टूर्नामेंट में भाग ले रही होती हैं, तो उन्हें ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे में वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट लेती हैं और जब वो टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रही होती हैं, तो वो कार्ब्स का सेवन कम करती हैं और इसके बदले प्रोटीन और विटामिन पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। हैदराबादी होने के नाते वो मसालों के साथ मीट के हैदराबादी स्वादों को पसंद करती हैं, हालांकि वो कैलोरीज पर भी कड़ी नज़र रखती हैं। सानिया का जब हल्का खाने का मन होता है, तो वो दाल और चावल का सेवन करती हैं। कभी कभी वो केक का एक छोटा टुकड़ा या फिर बिरयानी भी खाती हैं। हालांकि जो कैलोरीज वो शौक शौक में ले लेती हैं, उसे कम करने के लिए
वो अगले दिन 20 से 30 मिनट ज्यादा वर्कआउट सेशन में भी लगाती हैं। सानिया जब डिलीवरी के बाद अपना डाइट प्लान शुरू कर रही थी, अपना वर्कआउट शुरू कर रही थी वजन कम करने के लिए, तो भी वो इस चीज़ का ख्याल रखती थी कि वो जो भी खाएं, जो भी वर्कआउट करें, उसका एक अच्छा असर उनकी बॉडी पर पड़े, उनकी सेहत पे पड़े और साथ ही साथ उनके बच्चे के लिए भी वो अच्छा हो, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती थी। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए वो एक खास तेल बायो ऑयल का इस्तेमाल करती थी प्रेगनेंसी वाले दिनों में भी, और डिलीवरी के बाद भी उन्होंने इस तेल का इस्तेमाल किया स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए। तो कुछ इस तरह से ख्याल रखती थी सानिया मिर्ज़ा अपना, अपनी सेहत का, और इतना ख्याल रखने का नतीजा ही था कि सानिया मिर्ज़ा ने अपनी डिलीवरी के बस 4 महीने बाद ही अपना वज़न 26 किलो कम कर लिया। वैसे सानिया मिर्ज़ा प्रेगनेंसी के दौर में भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें किया करती थी, और अगर प्रेगनेंसी के दिनों में एक सही वर्कआउट किया जाए डॉक्टर की सलाह पर, तो ऐसी फीमेल्स का वज़न डिलीवरी के बाद ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से घट सकता है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखा है सानिया मिर्ज़ा ने। उम्मीद करते हैं अगर आप भी नई नई माँ बनी हैं या फिर आप भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हों बिल्कुल सानिया मिर्ज़ा जैसा कि आपका भी वज़न कम हो जाए, तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह का वर्कआउट, किसी भी तरह का डाइट प्लान खुद ना अपनाएं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबकी सेहत, सबकी हेल्थ अलग अलग तरह की होती है। इस बात का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें। तो ये था डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन सानिया मिर्ज़ा का। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीवन कोश को। फिलहाल जीवन कोश में अभी के लिए बस इतना ही।